प्रदेश में जारी लॉकडाउन के दौरान गरीब असहाय लोगों की सहायता के लिए कई भामाशाह और सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी के तहत दातारामगढ़ के चैनपुरा पंचायत में एक किसान परिवार ने सेवा का बीड़ा उठाया है। किसान परिवार की ओर से क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन सामग्री पहुंचाई जा रही है। किसान कालूराम महला ने बताया कि दिहाड़ी मजदूरों को लॉकडाउन में राशन सामग्री की आवश्यकता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं मुंबई से पंजाब जा रही गैस पाइपलाइन डाल रहे प्रवासी मजदूरों को भी लगातार राशन उपलब्ध करवाया गया। इस दौरान प्रभुदयाल कांटवा, सुरेंद्र कांटवा सहित कई लोग मौजूद रहे। तो मैं बराबर एक गाड़ी सुबह निकालता हूँ, एक शाम को निकालता हूँ, और जो पास पास में गांव है उनमें हम जो जरूरतमंद है उनको सप्लाई देते हैं। जैसे खाचरी आवास है, नरुका की डाणी है, भामा की डाणी है, मीणा की डाणी है, बगड़िया की डाणी है, बैढ़ा की डाणी है, और इधर चैनपुरा गांव है। इनमें सभी गांव रामजीपुरा वगैरह सभी में हमें सप्लाई देता है और बराबर में गाड़ी